Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of chapter Sunita in Space. And this is part 2 of quiz because part 1 हम लोग already कर चुके हैं जहाँ पर हम 10 important questions कर चुके हैं इस chapter के. बाकी जो questions remaining है that we will do in this video, वो हम लोग इस video में करेंगे. So let's start now, शुरू कर देते हैं बिना time waste के. कोई बच्चा नया है या फिर आपने subscribe नहीं किया है, पहले आप video के नीचे right side से subscribe कर ले channel को, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम अर्थ सुनीता वेंट इनटू स्पेस. वैसे मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी डिस्टेंस, कितनी दूर तक वो गई थी अर्थ से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है आपके टीचर एक, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है. तो आपके ऑप्शन हैं 260 किलोमीटर, 360 किलोमीटर्स, 460 किलोमीटर्स. कितनी दूर गई थी सुनीता विलियम्स स्पेस में अर्थ से, 260 किलोमीटर दूर गई थी, 360 किलोमीटर या फिर 460 किलोमीटर, जो भी आपका आंसर है. आंसर 11, क्विज का तरीका आपको पता होगा, लिख लीजिए कहीं पर, वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स पता लग जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड. पुल ऑफ अर्थ, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और ये एक्चुअली न्यूटन, आइजेक न्यूटन, सर आइजेक न्यूटन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था. मैंने आपसे वर्कशीट में पूछा भी था और काफ़ी बच्चों ने आंसर भी किया था इस क्वेश्चन का. तो ये क्या होता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तो ऊपर से एक एप्पल गिरता है, तो वो सोचते हैं एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. और आप अगर वैसे भी ऑब्जर्व करें तो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, कुछ भी आप ऊपर फेंकें तो वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही आता है. तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ की जो पास इतना जो ताकत है हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करने की. आपके ऑप्शन हैं ए रिलेटिविटी, बी प्रॉक्सिमिटी या फिर सी ग्रेविटी. पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिलेटिविटी, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी. डिस्कवरर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स का नाम तो पता ही होना चाहिए क्या कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी यही है. कोई आपसे पूछे कि क्या होता है तो दैट इज पुल ऑफ अर्थ. और किसने उन्हें डिस्कवर किया, न्यूटन ने. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विंकल्स इन स्काई एट नाइट. अगर रात में आप देखेंगे, मैंने कहा था कि आसमान में जो चीज़ें आपको दिखती है चमकती हुई रात में, ज़रूरी नहीं है कि सभी तारे ही हो, कुछ उनमें से सैटेलाइट्स भी होते हैं, कुछ उनमें से बाकी हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो भी चमकती है, जो भी आपके स्पेस में है सन की वजह से वो सब चमकते हैं, भले सैटेलाइट की खुद की लाइट नहीं होती. आपको रात को सन नहीं दिखता क्योंकि अर्थ के बैक साइड में होता है, लेकिन स्पेस में तो उसकी रोशनी जा ही रही है, तो सब चीज़ें उसकी लाइट से चमक रही होती है और आपको लगता है कि सभी स्टार्स हैं, लेकिन सब स्टार नहीं होते. कुछ जो ट्विंकल कर रहे होते हैं उनमें, जो कि टिमटिमा रहे होते हैं, कभी लाइट ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, आपने देखा होगा, उनको आप क्या कहते हैं. आपके ऑप्शन हैं वो स्टार होते हैं, वो मून्स होते हैं, या फिर वो प्लैनेट्स होते हैं. आसमान में आपको प्लैनेट भी दिखाई देते हैं, अगर आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको वीनस दिख जाएगा रात में, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत पास का एक प्लैनेट है, तो रात में वो भी दिखता है आपको, तारों की तरह ही दिखता है लेकिन वो उतना ही छोटा चमकता हुआ. खैर, जो ट्विंकल करते हैं, जो टिमटिमाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, स्टार, मून्स या फिर प्लैनेट. ओके, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने आंसर नोट कर लिया होगा. जो ट्विंकल करते हैं सिर्फ वही स्टार होते हैं, बाकी जो आपके आपको दिखते हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट है, वो स्टार नहीं होते हैं. देखिए, रात का एक सीन आपको दिखाया हुआ है, इसी तरीके से दिखता है, मून होता है एंड साइड में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इतने शायद आपको ना दिखे, नेकेड आई से नहीं दिखते, ये आपके टेलीस्कोप से, अगर आपको किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो फ्यूचर में थोड़ा सा स्काई में एंड ऑल, तो आप बड़े होकर एक टेलीस्कोप ले सकते हैं, उससे स्काई ऐसा दिखता है, इतने सारे स्टार्स आपको दिखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली अ डैश विच कैचेस फायर. एक शूटिंग स्टार दिखता है जिसे आप टूटता तारा बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि फोर्स से आती है तो आग लग जाती है उनमें, इसलिए वो आपको चमकती हुई दिखती है और लंबी से भी दिखती है इस तरीके से, ये एक्चुअली की ही पिक्चर है. तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे स्टार ही कहते हैं, मेट्रॉइड कहते हैं या फिर सैटेलाइट कहते हैं. शूटिंग स्टार जो होता है टूटता तारा, वो एक स्टार है, मेट्रॉइड है या फिर कोई सैटेलाइट है.
ओके, जो ट्विंकल कर रहे हैं अगेन आई एम सेइंग यू वो स्टार्स हैं, जो ट्विंकल नहीं कर रहे या फिर कॉन्स्टेंट जो चलते हुए दिखते हैं आपको, दो तरीके के तारे होते हैं जिसको आप टूटता तारा बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, एक तो इस तरीके से आता है और एक होता है जो कॉन्स्टेंट चलता रहता है, बिल्कुल ऐसे जो चलता रहता है कॉन्स्टेंट, वो आपका सेटेलाइट है, मैनमेड सेटेलाइट्स भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको वर्कशीट में कराए भी हुए हैं और वैसे भी, सो वो एक सेटेलाइट है, जो ट्विंकल कर रहे हैं वो स्टार्स हैं, और जो ऐसे आ रहे हैं उनका नाम क्या है, आपने आंसर पीछे कर दिया होगा, आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच कलर रिप्रेजेंट्स वाटर ऑन अर्थ। अर्थ को अगर आप स्पेस से देखें तो भी उसका वही कलर दिखता है आपको वाटर का, और जो आपका ग्लोब है ग्लोब के ऊपर भी उसी कलर से वाटर को रिप्रेजेंट किया होता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन कलर से आप वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू से या फिर रेड से। स्पेस से देखने पर जैसे कि सुनीता ने बताया था कि अर्थ पर और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ग्रीन कलर आपको दिखेगा जहाँ पर थोड़ा सा आपके ग्रास लैंड्स हैं या फिर बहुत बड़े जो आपके फॉरेस्ट नॉल है, या फिर अर्थ का जो कलर आपका ब्राउनिश वो दिखता है, या फिर आपको एक और कलर दिखता है जो वाटर का कलर दिखता है और उसी की वजह से अर्थ का नाम पड़ा है। क्या कहते हैं अर्थ को? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ऊपर से अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि ब्लू दिखता है, किसकी वजह से वो आपको पता होगा। खैर यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है, ये देखिए मैं आपको ग्लोब दिखा भी देती हूँ, आपको पता है इसमें पानी का, और पानी के लिए कौन सा कलर यूज़ किया गया है। एक्चुअली मैप में बड़े स्पेसिफिक कलर होते हैं, फॉरेस्ट के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे, आपके लैंड के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ओके तो ये सारी चीज़ें तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी वाटर का ही आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो टू स्पेस। फर्स्ट वुमेन की बात की हुई है, इनका मिशन थोड़ा सा अनसक्सेस, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी लेकिन एंड टाइम पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मिशन कम्प्लीट नहीं हो पाया था, उनकी बात हो रही है। आपके ऑप्शन हैं कौन थी वो, आपके ऑप्शन हैं ए सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल या फिर सी कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, कौन फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। ओके ये पिक्चर है उनकी, पिक्चर्स भी आपको सभी एस्ट्रोनॉट्स की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सुनीताज हेयर वर केप्ट स्टैंडिंग इन स्पेसक्राफ्ट। सुनीता के हेयर स्पेसक्राफ्ट में क्यों ऐसे खड़े हुए थे, देखिए कुछ ऐसे, वैसे ये पिक्चर आपके स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई हुई है कि इस तरीके से अगर आप स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे तो आपके बाल ऐसे खड़े रहेंगे वहाँ पर, उसका क्या रीज़न है। आपके ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, बिकॉज ऑफ नो ऑयल, क्योंकि आपने सर में तेल नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ स्पेसक्राफ्ट पुल, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट आपके बालों को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या रीज़न है कि योर हेयर या फिर सुनीता के हेयर वॉज केप्ट स्टैंडिंग इन स्पेसक्राफ्ट, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ नो ऑयल, बिकॉज ऑफ स्पेसक्राफ्ट पुल। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे हैं जिसका सेम ही आंसर है इन सभी का, कि बच्चे स्लाइड से नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते, बॉल फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आती है, ओके आप अगर कूदेंगे तो नीचे क्यों आएंगे, एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन सब का आंसर एक ही है, दैट इज़ ग्रेविटी। ओके और बाल क्यों खड़े रहते हैं इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं वहीं से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ नॉट रिलेटेड टू मून। ये भी कुछ आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताया हुआ, मून के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से कभी कम कभी ज़्यादा होता है, डिफरेंट टाइम पर राइज होता है, डिफरेंट टाइम पर सेट होता है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ। खैर यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है कि कौन सा फेस्टिवल आपका मून से रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ईद, होली, गुरुपूरब या फिर क्रिसमस, चारों आपको रिलीजन के फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वो फेस्टिवल है जो कि मून पर डिपेंड नहीं करता। हिंट के तौर पे बता दूं, ये फेस्टिवल हर साल एक ही दिन मनाया जाता है, एक ही डेट को, आपको पता भी होगी इसकी डेट, बाकी चेंज होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट को ही मनाया जाए, डिपेंड करता है मून के ऊपर, लेकिन इसकी डेट फिक्स है। ओके मैं पिक्चर नहीं दिखा रही, नहीं तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डिड सुनीता वांटेड टू बिकम। सुनीता एक एस्ट्रोनॉट थी, इंजीनियर थी और वहाँ की आर्मी में भी थी, US आर्मी में, आपको बताना है अब वो क्या करना चाहती है। आपके ऑप्शन हैं शी वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर, एक टीचर बनना चाहती है, डॉक्टर, या फिर टीचर या फिर इंजीनियर, डॉक्टर टीचर या इंजीनियर क्या बनना चाहती है, और उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी दिया है कि क्यों वो ऐसा करना चाहती है, जो मैंने आपको वर्कशीट में कराया भी और चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज़, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के बारे में रिसर्च करता है। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम होता है तो यहीं से ही सेटेलाइट जाते हैं, यही लोग लॉन्च करते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंगलोर, सी बी मुंबई, सी चेन्नई। पहले तो मैं आपको हेडक्वार्टर दिखा दूँ। देखिए ये हेडक्वार्टर है, अगर आपको किसी को फैसिनेट करता है तो स्पेस एंड ऑल, तो आप एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो यहीं पर आप लोग जाएंगे रिसर्च के लिए। और हेडक्वार्टर बैंगलोर, मुंबई या फिर चेन्नई। हिंट के लिए बता दो तमिलनाडु की कैपिटल है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, दैट इज़ माई हिंट, ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ, मैच कर लीजिए और बताइए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। आंसर 11 बी, 12 सी, 13 ए, 14 बी, 15 बी, 16 सी, 17 ए, 18 डी, 19 बी, 20 ए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपको बताना चाह रहा है स्पेस के बारे में। एज अ फिफ्थ क्लास स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर पता भी होगी, चैप्टर आपने रीड किया होगा अच्छे से, वीडियोस देखी होंगी, एंड आफ्टर दिस थोड़ा सा जीके का एक बड़ा अच्छा पोर्शन आपका प्रिपेयर हो गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।